वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्टाइलिश चेयर या कैसे तो टेबल, सॉरी। सो आ जाइए अपने ब्लेंडर में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है सारे डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। और अब हम लेंगे एक प्लेन, ये लिया हमने प्लेन, स्केल किया एक्स एक्सिस पर। ये हम लेंथ दे रहे हैं, ठीक है, अपने टेबल की लेंथ। जेड एक्सिस से भी आप देख सकते हो, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिट मोड में आ जाएंगे, एडिट मोड एंड एज सिलेक्ट करेंगे। एज के बाद हम करेंगे इसको एक्सट्रूड, द बेस्ट पार्ट, एक्सट्रूड, ठीक है। एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना एक्सट्रूड करना है हमें, जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करना है। तो जेड प्रेस कर देना एक बार एंड जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एक्सट्रूड, थोड़ा और एक्सट्रूड कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर से एक्सट्रूड इतना कर लेते हैं यहाँ तक, हल्का सा और, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स क्लिक करना है आपको। वन सेकेंड, वाई एक्सिस हम देख लेते हैं कि हमें कितना एक्सट्रूड करना है एक्स एक्सिस में। ओके, तो हमने इतना एक्सट्रूड कर लिया इसे, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे बेवल टूल और इन एजेस को जो थोड़ा कर्वी शेप दे देंगे, थोड़ा सा कर्व डाल देंगे, ठीक है। नीचे तो नहीं डालेंगे हम, ऊपर वाले में डालेंगे, ठीक है, ताकि टेबल हमारी कुछ ऐसे लगे कि हाँ एकदम थोड़ी स्मूथ सी है, ठीक है। तो ये हमने क्या एक्सट्रूड, सॉरी, डायरेक्शन चेंज करने में थोड़ा इशू होता है। अगर आपके पास माउस है आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, मेरे पास ट्रैक पैड है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो इतना हल्का सा मैंने जो है इसे बेवल दिया है, ठीक है। अब इसके जो सेगमेंट है वो हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि एकदम स्मूथ सा दिखे, इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल का कुछ ऐसा शेप है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा वो करेंगे एक्सट्रूड, थोड़ा सा भरा भरा, थिकनेस थिकनेस ये कह सकते हो। थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडिफायर ले लेते हैं। मॉडिफायर कौन सा लेते हैं हम, स्किन मॉडिफायर। ओ ये तो कुछ ज्यादा हो गया, नहीं स्किन मॉडिफायर नहीं, जो कुछ ज्यादा ही हो गया उसकी जो है, हमें थिकनेस कम करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बेवल करके देखे तो वो तो एजेस स्मूथ करने के लिए होता है। हम इसे एक्सट्रूड करते हैं जेड एक्सिस पे, पर नहीं यार एक्सट्रूड में भी मजा नहीं आ रहा है। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करके देखते हैं, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ये हुई ना बात कुछ, ये हो रही है गाइस, आप देख सकते हो थिकनेस इसकी इंक्रीज अलोंग नॉर्मल से, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल लेके देखे तो इंडिविजुअल में मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ये स्लाइसेस बन जाती है ना यार। तो हम लेंगे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स और इससे करेंगे हम थोड़ी सी थिकनेस इसकी इंक्रीज, हल्की सी थिकनेस 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 थिकनेस। ओके, ये हमने कर दी इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो ये हमारे टेबल कुछ ऐसा शेप आ गया है टेबल का हमारा। अब थोड़ी स्टाइलिश और इसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे ये जो फेसेस है एजेस है इसको थोड़ा जॉइन करेंगे कहाँ, सेंटर से, तो थोड़ा स्टाइलिश लगेगा लुक। या फिर हम कुछ और कर सकते हैं, क्या करते हैं ताकि ये थोड़ा और स्टाइलिश सा दिखे हमारा टेबल, लाइक सिंपल ना दिखते हुए थोड़ा स्टाइलिश सा दिखे, होता है ना लिविंग रूम में हम जो टेबल रखते हैं उस हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ ये जो हमारा एज है ये एज, ठीक है, एंड शिफ्ट क्लिक करके रखना होल्ड एंड ये एज, इनको हम
ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारी टेबल ने कुछ ऐसी शेप ले ली, और अब हमको यहाँ पे कंटेनर टाइप बना देते हैं ताकि स्लॉट्स बन सके। या फिर हम कुछ और कर सकते हैं, या फिर गाइस हम करते हैं दो सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर्स को हम लगा देंगे ताकि और हमारी जो टेबल स्टाइलिश लगे। आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए एंड देन टेक अ सिलेंडर, स्केल करेंगे इसे, शिफ्ट जेड कर दो आप। शिफ्ट जेड करोगे तो ये एक्स और जेड एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से जो है स्केल करेगा, ठीक है। और हम आ जाते हैं वाई एक्सिस में, जी प्रेस करेंगे, जेड एक्सिस में लेंगे थोड़ा इसको, ठीक है। अब जी प्रेस करेंगे और एक्स एक्सिस में लेंगे, ये लग रहा है ना एकदम धमाकेदार मॉडल। एंड अब आ जाते हैं एक्स एक्सिस में, जी वाई एक्सिस में, ताकि दोनों हम आसानी से पुट कर सकें। अब क्या करना है आपको, शिफ्ट डी प्रेस करना है, शिफ्ट डी इसका डुप्लीकेट हो जाएगा शिफ्ट डी से, और इसे हम वाई एक्सिस में कुछ यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे जो दोनों जो थे पिलर आप कह सकते हो वो यहाँ पे लग चुके हैं, और हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, इस तरह से, ठीक है गाइस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा जॉइन सा लगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और सिलेंडर ले लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम, शिफ्ट डी डुप्लीकेट। अब इसको जो है हम रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में 90 डिग्री, ओके। एंड हम इसको अब करेंगे जी से वाई एक्सिस में थोड़ा इनसाइडली, लेंथ इसकी थोड़ी ज्यादा है तो हम स्केल करके छोटा कर लेंगे थोड़ा, जी वापस से वाई एक्सिस में थोड़ा ऐसा सेटल कर लेंगे, ओके। और अब हम देखते हैं थोड़ा बाहर तो नहीं जा रहा है, गाइस बाहर जा रहा है थोड़ा, वापस से स्केल करेंगे हल्का सा, हल्का ही स्केल करना आपको, ये परफेक्ट। तो ये हमारा टेबल कुछ इस तरह से बन चुका है, थोड़ा स्टाइलिश सा टेबल, ठीक है। अब हम इसे अगर स्मूथ करें, स्मूथ तो एकदम वो होता है ना अपना पॉली लो पॉली, यानी अंदर से खोखला वो हो चुका है, तो हम ऑटो स्मूथ दे देंगे, ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा वो भी एजेस के साथ। तो ये हमारी टेबल कुछ इस तरह से बन चुकी है। और भी इसमें बहुत सारी जो है आप कर सकते हो चेंजेस, बट मैं एक बेसिक ही मॉडल बना रहा हूँ ताकि बिगनर्स के लिए आसान हो जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लेना, या उसमें सारा सब कुछ मैंने बताया ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, और आगे भी मैं जो नए टूल्स डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने अभी थोड़ा बेसिक मॉडल पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।